हेलो गाइस, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आर्कटिक फॉक्स कीबोर्ड का, जो कि वाइट रंग में आता है। और हाँ गाइस, ये अभी अमेज़ॉन में सेल में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा सस्ता प्राइस है। और हाँ, तुम बोल सकते हो अफोर्डेबल भी और गेमिंग कीबोर्ड भी बोल सकते हो और मैकेनिकल कीबोर्ड। गाइस मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें पता होगा मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है, जब बटन प्रेस करते हैं तो भाई आवाज़ आता है और फील भी आता है उसमें। तो गाइस ये वैसा टाइप का कीबोर्ड है। और हाँ, ये देखो मैं आपको इसको इनबॉक्स दिखा देता हूँ। ये हमको पड़ा कितने में, ये 407 रुपये यहाँ पे लिख रखा है, 407 रुपीज़ में हमने ये अभी परचेज़ किया है। मे बी आप जब परचेज़ कर रहे हो तब इसका दाम बढ़ जाए, क्योंकि ये सब सेल में आता है और सबका दाम बढ़ना लाजमी है। क्योंकि भाई अभी तुम ये प्रोडक्ट देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है गाइस, ठीक है। और मेरे पास काफ़ी सारे गेमिंग कीबोर्ड है, लेकिन भाई मैंने ये देखा कि भाई ये अभी अमेज़ॉन में सेल चल रहा है और ऊपर से वाइट कीबोर्ड है, तो मेरे को बहुत पसंद आया। और ऊपर से भाई इतना चीपेस्ट प्राइस। तो गाइस ये देखो, एज यू कैन सी भाई कैसा कीबोर्ड है। ये हमने यहाँ पे बटन दबाया और आवाज़ तुम लोग सुन रहे हो, कितना बढ़िया आवाज़ आ रहा है यहाँ पे। तुम अगर सिंगल बटन यहाँ पे, जैसे कि ये देखो स्पेस, तुम अगर प्रेस करोगे यहाँ पे तो कैसा हमारा जो साउंड है इसका, भाई बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड निकल रहा है इसमें। और हाँ गाइस, इसको तुम गेमिंग कीबोर्ड भी बोल सकते हो। और अभी मैं यहाँ पे इसका तुम्हें वायर दिखा देता हूँ कि भाई इसका वायर कैसा है। कहीं तुम लोग को लगे भाई कि ये इतना चीपेस्ट कैसे है अमेज़ॉन में, तो इसका वायर में या तो किसी चीज़ में कुछ ना कुछ तो कमी होगा। लेकिन गाइस ये देखो, इसका वायर भी काफ़ी हद तक मोटा है और लग नहीं रहा ऐसा कि भाई ये चीपेस्ट है। वैसे मैं बार बार चीपेस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन भाई ये तुम अगर देख लोगे इस कीबोर्ड को पास से, तो तुम्हें लगेगा नहीं कि भाई ये इतने प्राइस में अवेलेबल हो सकता है अमेज़ॉन में। तो ये देखो, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कितना बड़ा इसका वायर है। ये देखो भाई, वायर में भी इतना, मैंने परचेज़ किया है गाइस गेमिंग कीबोर्ड, तो इतने बड़े वायर तो उनमें भी नहीं रहता जितना इसमें है। और ऊपर से वायर का जो क्वालिटी है गाइस, वो भी वायर का क्वालिटी बहुत चलने वाला है। चलो गाइस, मैं तुम्हें इसको पास से दिखा देता हूँ, ठीक है। एकदम पास से मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट है तो है कैसा। ये देखो भाई, ये भाई मैं इस कीबोर्ड को देखा। और हाँ, इसमें गाइस तुम्हें एक्स्ट्रा 4 बटन्स भी दिए जाते हैं, जो कि अभी तो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में कहीं भी नहीं मिलने वाला। और मैं थोड़ा पीछे से भी तुम लोग को दिखा देता हूँ। और ये कीबोर्ड जो है थोड़ा मोटा कीबोर्ड है, जैसा मैकेनिकल कीबोर्ड भाई 2,500-2,500 से ऊपर मिलते हैं गाइस मैकेनिकल कीबोर्ड, और ये उसके कंपैरिजन में गाइस तगड़ा टक्कर दे सकता है। चलो गाइस, अब हम लोग यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा कीबोर्ड है और इसका फील भी देखते हैं कि भाई कैसा बटन जब हम लोग दबाते हैं तो कैसा फील आता है। और ये देख सकते हो कि भाई ये सब बटन तो भाई एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है, और जैसे हम प्रेस कर रहे हैं तो बटन का आवाज़ भी आ रहा है। और हाँ गाइस, ये जो कीबोर्ड है ये मुझे मिला है अभी ऑन सेल वाले में मिला, तो मुझे 407 रुपीज़ का पड़ा। अब जब तक तुम देख रहे होगे अमेज़ॉन में, तो मे बी इसका थोड़ा प्राइस जो है वो बढ़ गया होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो कैसे मैं बटन यहाँ पे एवरी बटन गाइस एक एक बटन मैं चेक करके दिखा दूँगा। और मैं खुद भी चाहता हूँ कि भाई हर बटन चल रहा है या नहीं चल रहा है, मे बी कोई अगर डिफेक्टिव हो गया तो हम लोग को फिर अमेज़ॉन को वापस देना पड़ता है। तो गाइस, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो गाइस समझ गए होगे भाई, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और क्या चाहिए, और गाइस इतने सस्ते चीपेस्ट मतलब प्राइस में तुम लोग को और क्या चाहिए ये बताओ। इतने में तो भाई कोई कीबोर्ड भी नहीं मिलता जितने में ये लोग अभी कीबोर्ड ऑफर कर रहे हैं। तो इससे पहले कि गाइस ये हो जाए महंगा और ज़्यादा बजट में ये ऊपर चला जाए, तो इससे पहले तुम लोग ऑर्डर करके इसको एक बार चेक करके देख लो कि भाई है तो है कैसा ये कीबोर्ड। भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया पसंद आया ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड, और मैं सारे बटन लगभग यहाँ पे चेक कर चुका हूँ गाइस। और बटन रह गया गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 बटन्स, जो कि साउंड के लिए दिया है। साउंड कम होता है गाइस उससे, साउंड ज़्यादा होता है, और तुम लोग वॉल्यूम म्यूट भी कर सकते हो उससे। और हाँ गाइस, एक शटडाउन का बटन है, मे बी वो स्लीप का बटन है, तो वो एंड में मैं तुम्हें चला के दिखाऊँगा, क्योंकि उसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूँगा। और चलो गाइस, ये देखो स्पेस, जैसा मैं बटन दबा रहा हूँ तो फील कैसा बढ़िया सा आ रहा है, और जो बटन का जो आवाज़ है ना भाई बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे भी हम लोग ने चेक कर लिया। नाउ गाइज इट्स टाइम टू चेक, चलो इस बटन को चेक करके देखते हैं गाइज हम, ठीक है। ये मैंने अभी तक, ये देखो वॉल्यूम कम ज़्यादा है ये, और यहाँ से ये म्यूट हो रहा है। और ये वाला जो गाइज बटन है, ये वाला बटन है अपना स्लीप का, ये मैंने दबाया और ये मेरा लैपटॉप चले गया इसके बाद स्लीप में। तो गाइज आई होप ये तुम्हें जो वीडियो है पसंद आया होगा। और गाइज अगर तुम चाहते हो कि इसका मैं लॉन्ग टर्म में रिव्यू करूं, तो उसके लिए भाई मेरे को अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने ये कीबोर्ड परचेज़ किया है। तो मेरे को कमेंट में तुम लोग पूछते रहना कि भाई कैसा कीबोर्ड है, अभी तक चल रहा है और कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है।
तो ठीक है गाइस, अब मिलता हूँ नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो ये वाला रिव्यू कैसा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट कर देना गाइस कैसा वीडियो था।